हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीट लिटिल गार्डन। ये देखिए, ये जो आपके सामने प्लांट है इसे कैम्बिफेरा और हिंदी में जो है भूमि चंपा और मराठी में भुई चाफा कहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है और ये थोड़ा सा रेयर प्लांट होता है। प्लांट उतना रेयर नहीं होता, लेकिन इसके फ्लावर्स जो होते हैं उसके फ्लावर्स रेयर होते हैं। तो वो कैसे, तो ये जो फ्लावर्स है, जब जो बल्ब होता है ये राइजोम से ग्रो किया जाता है। जब इसका राइजोम मैच्योर हो तभी इसमें ये फ्लावर्स आ जाते हैं और साल में ही एक ही बार खिलता है और एक ही दिन के लिए लास्टिंग करता है, इसीलिए ये थोड़ा सा रेयर होता है। तो चलिए जानते हैं इस रेयर प्लांट के बारे में, रेयर अनकॉमन से प्लांट के बारे में। ये जो प्लांट है ये एशिया का नेटिव है, ट्रॉपिकल एरियाज़ में ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। इसे जो है फुल सनलाइट की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, इसे सिर्फ ब्राइट लाइट ही दीजिएगा ये प्लांट चल जाता है। तो इसके ग्रोइंग के बारे में और प्रोपगेशन के बारे में जो है मैं दूसरा वीडियो बनाने वाली हूँ। आज तो हम इसके सिर्फ बेसिक के ही बारे में जानेंगे, तो मेरा पहला और दूसरा वीडियो देखिएगा। दोनों भी आपको जो है, दोनों वीडियो में भी इंफॉर्मेशन आपको बहुत सारी मिलने वाली है इस अमेजिंग प्लांट के बारे में। तो देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे ज़मीन से ही फ्लावर आया है। देखिए, बिल्कुल ज़मीन से, ना कोई पत्ते ना कोई स्टेम और कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन ये फिर भी फ्लावर्स आया है। देखिए, कल जो है इसके दो फ्लावर्स खिले हुए थे, लेकिन आज वो फेड हो गए और आज फिर से खिले हुए हैं और ढेर सारी जो है इनमें बर्ड्स जो है बनी हुई है। तो ये जो प्लांट है बहुत ही अजीबोगरीब प्लांट है, कॉमनली कहीं पर भी ज़्यादा दिखने को हमको नहीं मिलता। इसके बारे में बहुत सारी अमेजिंग बातें हैं, बहुत सारे सीक्रेट बातें हैं जो आप नहीं जानते। तो चलिए एक एक करके हम इसके जो है बारे में जान लेते हैं। तो ये जो प्लांट है ये समर ग्रोइंग प्लांट है, साल में एक बार ही खिलता है और खिलने के बाद जो है उसकी खूबसूरती जो है दोस्तों लाजवाब होती है। देखिए, ये देखिए, बिल्कुल ऑर्किड की तरह दिखता है ये फ्लावर्स और इसका वाइट कलर और उसमें जो है फेंट पर्पल या फिर थोड़ा सा डार्क पर्पल भी है इसका कलर। तो इस कॉम्बिनेशन में और उसके ऊपर जो स्ट्रिप्स है इसे देख के तो ऐसा लगता है कि जैसे ऑर्किड का प्लांट है, पर ये कोई ऑर्किड नहीं है, ये कैम्बी फ्लेम मतलब जिंजीबरी इसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। मतलब जो जिंजर फैमिली होती है जिंजर की, उसी में, इसीलिए उसके बल्ब नहीं राइजोम होते हैं, ये राइजोम से ग्रो किया जाता है। और इसके बारे में और एक अजीब बात, ये जो प्लांट है, प्लांट तो एक ही है, प्लांट एक होता है, लेकिन उसमें दो सीज़न में दो अलग अलग फ्लावर खिलते हैं। आप सही सुन रहे हैं दोस्तों, दो अलग सीज़न में इसमें दो अलग फ्लावर खिलते हैं और दोनों फ्लावर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा। ये जो है ये बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, समर में जो खिलता है इसका फ्लावर वो बहुत ही प्रोमिनेंट, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत दिखता है। लेकिन जो रेनी सीजन में फ्लावर्स खिलता है इसमें, वो विंका का फ्लावर, आपको पता है पर्पल विंका जैसे दिखता है, सेंटर में वाइट डॉट होता है और थोड़ा सा पर्पलिश लैवेंडर कलर होता है ना, बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। मतलब देखिए नेचर का कैसा अजूबा है, प्लांट तो एक ही है लेकिन उसमें दो अलग सीज़न में दो अलग और दोनों फ्लावर जो होते हैं बहुत ही डिफरेंट होते हैं। लेकिन इसका ये जो प्लांट, ये जो फ्लावर है मुझे बहुत पसंद है। देखिए, इनमें जो वो प्लांट आपका मैच्योर होता है ये विंटर में, विंटर के सीज़न में डॉर्मेंसी में चला जाता है और इसकी पत्तियां पूरी झड़ जाती है, लेकिन जैसे गर्मियों की शुरुआत होती है उसमें मैच्योर बल्ब में ये अच्छी तरीके से इस तरीके से फ्लावर आने लगता है। जब ये फ्लावर फेड हो जाते हैं तब वहाँ से क्या होता है, धीरे धीरे से ग्रीन लीव्स निकलने लगती है और वो बहुत ही डेंस होता है और बारिश के सीज़न में बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब ग्रो होता है और अच्छी तरीके से ग्रो होने के बाद उसमें फ्लावर आ जाता है। लेकिन वो फ्लावर बहुत ही अलग रहता है, वो थोड़ा सा माइन्यूट फ्लावर होता है, विंका के जैसा, थोड़ा सा विंका के फ्लावर से भी थोड़ा सा छोटा होता है। और उसके बाद जो मैं आपको और एक सीक्रेट बताने जा रही हूँ वो तो बहुत ही अभी आपको सरप्राइजिंग है। जो ये फ्लावर्स है आप इसे बहुत लोगों को, ये जो फ्लावर है अब इसे भूमि चंपा कहते हैं या कैम्बिफेरा कहते हैं, लेकिन ये प्लांट
जैसे ही बड़ा होता है इसमें पत्तियाँ निकलती है, तब उस प्लांट को जो है हम जिंजर प्लांट, पिकॉक जिंजर प्लांट के नाम से जाने जाता है। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, यही प्लांट जब बड़ा होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, पिकॉक जिंजर फ्लावर्स या पिकॉक जिंजर प्लांट कहते हैं। जब इसमें फ्लावरिंग नहीं होती तब हम उसे भूमि चंपा कहते हैं या कैम्बिफेरा कहते हैं, लेकिन जैसे इसमें पत्तियाँ आने लगती है और अच्छी तरीके से ग्रो होता है तब उसे हम जो पिकॉक जिंजर के नाम से जाना जाता है। ये आपको बहुत ही अजीब लगेगा कि जब छोटा होता है तब अलग ही दिखता है, जब बड़ा हो जाता है तब ही उसके कैरेक्टर जो है आपको बहुत ही अलग अलग दिखने लगते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मेरे कैक्टस में भी ये देखिए अब बर्ड आने लगी है, अब ये भी फ्लावर जो है जल्दी ही खिल जाएगा, इस पर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो इसके बारे में आगे की जो इसके ग्रोइंग के बारे में और केयर के बारे में मैं दूसरा वीडियो बनाने वाली हूँ। तो इस तरीके से एक्जोटिक अनकॉमन रेयर प्लांट के बारे में और सारी ढेर सारी सीक्रेट अमेजिंग बातें जानने के लिए मेरे वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।